फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, किस तरह से यूरिन का निर्माण होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट, नेफ्रॉन में क्या क्या चीज़ होता है, तो नेफ्रॉन में मुख्य रूप से बोमन कैप्सूल, जो यहाँ शो किया गया है, बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेशन बेड होता है उसको ग्लोमरुल्स कहा जाता है। ग्लोमरुल्स कहा जाता है, जो जालीवत संरचना होता है कैपिलरी का, ये ग्लोमरुल्स कहा जाता है। और इसके नीचे जो है रीनल ट्यूबुल्स कहा जाता है, उस रीनल ट्यूबुल्स में मुख्य जो है निम्नलिखित पार्ट होते हैं। ऊपर वाले जो पार्ट्स होते हैं प्रॉक्सिमल कॉर्मोलेटर ट्यूबुल्स कहा जाता है। यू आकार का जो होता है लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, जो यहाँ शो किया गया है, लूप ऑफ हेनले। और ऊपर वाला भाग जो है वो डिस्टल कॉर्मोलेटर ट्यूबुल्स कहा जाता है, और ये खुलता है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में। तो इस तरह से एक सिंपल नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है जो कि जानना जरूरी है। तो किस तरह से यूरिन का निर्माण होता है, इसको समझने के लिए निम्नलिखित बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को समझने के लिए, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है, समझने के लिए इसमें ये जानना है कि तीन प्रेशर जो होते हैं वो इसमें लगते हैं। पहला जो प्रेशर कहलाता है वो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टिक प्रेशर, जिसका वैल्यू 55 mm ऑफ Hg होता है। तो जो ग्लोमेरुल्स जो अभी शो किया गया डायग्राम में ग्लोमेरुल्स, तो इस ग्लोमेरुल्स में जो ब्लड आता है, तो ब्लड के कारण जो आर्टरीज या कैपिलरी के दीवार पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हाइड्रोस्टिक प्रेशर कहलाता है। दूसरा जो है कोलाइड ऑस्मेटिक प्रेशर, जो ब्लड होते हैं ब्लड में जो उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल होता है, जैसे कि RBC, WBC और भी जो प्लाज्मा प्रोटीन, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके वजह से जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है, और इसका वैल्यू है 30 mm ऑफ Hg। तीसरा है हाइड्रोस्टेटिक अल्ट्रा फिल्टरेबल प्रेशर बाय द कैप्सूल, जिसकी वैल्यू जो है वो 15 शो किया गया है, 15 होता है। अब ये समझना, ये प्रेशर कहाँ होता है, ये प्रेशर जब ग्लोमेरुल्स द्वारा फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो फिल्ट्रेट के रूप में जो लिक्विड यहाँ जो शो किया गया है, इस लिक्विड में जो चीज़ें डिजॉल्व है उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर जो है वो कहलाता है हाइड्रोस्टेटिक अल्ट्रा फिल्टरेबल प्रेशर, जिसकी वैल्यू 15 डिग्री होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेट फिल्टरेबल प्रेशर जो है, जिस पर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड हो रहा है, वो है 55 - 15 + 30, दैट इज 10 mm ऑफ Hg। ये फिल्ट्रेशन फोर्स है जिस पर फिल्ट्रेशन का कार्य नेफ्रॉन द्वारा और खास करके बोमन कैप्सूल के ग्लोमेरुल्स द्वारा संपन्न हो रहा है। अब ये भी यहाँ जानना जरूरी है कि ये जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये किन-किन फैक्टर पर प्रभावित होता है, निर्भर करता है। तो इसमें पांच इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जो कि नंबर वन है परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी, यानी कैपिलरी जो सेलेक्टिव परमेबल होता है, तो इसकी परमेबिलिटी महत्वपूर्ण चीज है, जो कि अगर परमेबिलिटी चेंज होगा तो ओवरऑल जो है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर प्रभावित होगा और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी प्रभावित होगा। तो पहला था परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी। दूसरा इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ फिल्ट्रेशन। ये स्वाभाविक है कि अगर फिल्ट्रेशन का एरिया अधिक होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन अधिक होगा, अगर एरिया कम होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है इंट्रा कैपिलरी प्रेशर। इंट्रा कैपिलरी प्रेशर और जो तीनों प्रकार के प्रेशर जो हम अभी डिस्कस किए हैं, ये तीनों प्रकार के प्रेशर में कोई भी प्रेशर अगर
प्रभावित होता है या कम होता है या अधिक होता है, तो इसका असर जो है वो नेट फिल्टरेबल प्रेशर पर पड़ेगा और इस तरह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन प्रभावित होगा। तो इस तरह से ये जो है ये पांच जो प्रेशर हैं वो पांच प्रकार के जो फैक्टर हैं वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को समझने से पहले ये चीज जानना जरूरी है कि 24 घंटे में किडनी द्वारा संपूर्ण किडनी माने एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो दोनों किडनी मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन लगभग हुए हैं। तो एक मिनट में मेल के केस में जो है उसकी इफिशेंसी जो है फिल्ट्रेशन का 125 ml पर मिनट है और इस तरह से 24 घंटा में जो है 180 लीटर पर डे है। थोड़ा सा फीमेल में कम होता है, वहाँ पर मिनट 110 है तो उसी हिसाब से कम होता है। जबकि हम सब जानते हैं कि 24 घंटे में जो यूरिन आउटपुट होता है वो आधा लीटर से 1.5 लीटर पर डे होता है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 24 घंटा में बाकी जो फिल्ट्रेट 180 लीटर में से सभी फिल्ट्रेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन होकर पुनः ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन कहां से होता है ये थोड़ा सा डायग्राम में एक बार स्पष्ट कर लें। उसको समझने से पहले एक चीज यहां जानना है कि इस बोमन कैप्सूल में जिधर से ब्लड इसमें प्रवेश करता है उसको एफरेंट आर्टियोल्स कहा जाता है इधर से, और जिधर से ब्लड निकलता है फिल्टर होके वो इफरेंट आर्टियोल्स कहा जाता है। तो जो इफरेंट आर्टियोल्स होता है उसी से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक नेटवर्क होता है जो इस डायग्राम में तस्वीर नहीं किया गया है, लेकिन ये इस ट्यूबल्स के चारों ओर एक जालवत संरचना होता है और ये जो ट्यूबल्स का जो तीनों पार्ट है इन तीनों पार्ट से और चौथा कलेक्टिंग ट्यूबल्स इससे जो है जो भी एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है तो एब्जॉर्ब होके वो पुनः जो है ब्लड सर्कुलेशन में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसके द्वारा जो है ब्लड सर्कुलेशन में वापस बॉडी में लौट जाता है। तो ये समझना जरूरी था। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन सबसे पहला जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स जो पहला भाग है रीनल ट्यूबल्स का, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ये रीएब्जॉर्प्शन यहाँ होना ही होना है और लगभग जितना फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट का 2/3 पार्ट यहाँ रीएब्जॉर्ब हो जाता है, 2/3 पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ प्रोसेस जो होते हैं वो अधिकांश जो है वो एक्टिव प्रोसेस द्वारा रीएब्जॉर्ब होता है, लेकिन वाटर जो है वो पैसिव ऑस्मोसिस पैसिवली या ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा रीएब्जॉर्ब होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ द्वारा होता है। ग्लूकोज 100% होता है, अमीनो एसिड 100% होता है, यानी फिल्ट्रेट में ग्लूकोज और अमीनो एसिड जितना भी रहेगा उसका 100% रीएब्जॉर्प्शन होकर वापस ये ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वेरी एसेंशियल सब्सटेंसेज हैं, इसलिए इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद सोडियम का 70%, पोटासियम का 75%, क्लोराइड का 50%, यूरिया का 50%, तो इस तरह से यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब दूसरा जो पार्ट्स है रीनल ट्यूबल्स का वो लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर डायग्राम में ये समझना जरूरी है कि लूप ऑफ हेनले जो है यू आकार के ट्यूब यहाँ जो शो किया गया उसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि नीचे की ओर चूंकि ये जा रहा है तो ये इसका डिसेंडिंग लिंब हो गया, उसके बाद ये ट्रांसफर इसका लिंब हो गया, और उसके बाद यहाँ से ऊपर चूंकि जा रहा है तो एसेंडिंग लिंब हो गया। तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज संपन्न होता है उसको कहा जाता है काउंटर करेंट मल्टी
मल्टीप्लायर सिस्टम यहाँ शो किया गया है, काउंटर करेंट मल्टीप्लायर सिस्टम। इसको समझना बहुत इजी है, बहुत आसान है, थोड़ा सा यहाँ डायग्राम पर ध्यान दिया जाए। यहाँ देखिए जो डिसेंडिंग है, यहाँ जो डिसेंडिंग है और ये जो है इंटरस्टेटियल फ्लूड, यहाँ बीच में जो है इंटरस्टेटियल फ्लूड है, और ये जो डिसेंडिंग असेंडिंग और ट्रांसफर जो इसका लिंब है, इसके अंदर ये ल्यूमेन और ट्यूबल्स कहा जाएगा। तो यहाँ देख रही है डायग्राम में जो शो किया गया कि NaCl यहाँ से ये जो इंटरस्टेटियल फ्लूड है यहाँ से इसके अंदर ल्यूमेन के अंदर प्रवेश कर रहा है। NaCl यहाँ देख रहे हैं प्रवेश कर रहा है, फिर ये नीचे ये है, और दूसरी ओर यहाँ जो असेंडिंग लिंब है, असेंडिंग लिंब में तो कि यही चीज जो है यहाँ से निकल रहा है, NaCl यहाँ से निकल रहा है। तो इसका मतलब इस फिगर डायग्राम से स्पष्ट है कि जो प्रक्रिया डिसेंडिंग लिंब में हो रहा है उसका अपोजिट असेंडिंग लिंब में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट क्रिया दोनों लिंब में संपन्न हो रहा है, इसलिए इसको काउंटर करेंट कहा जाता है। अब इसमें मल्टीप्लायर का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लायर सिस्टम का मतलब क्या है, यहां देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली है कि यहां से यह वाटर निकलता है, यहां से वाटर निकलता है। तो अगर वाटर निकल रहा है और NaCl आ रहा है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड का बढ़ रहा है, इसलिए ये हाइपरटोनिक यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ जो इस लिम्ब पर जो है ट्रांसफर जो है हाइपरटोनिक हो जाता है। तो इसलिए जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो ओवरऑल जो है इस प्रक्रिया के कारण जो है बढ़ रहा है, इसलिए ये कहलाता है काउंटर करेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमना है लूप ऑफ हेनले में, जो कि ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसका रीनल ट्यूबुल्स का तीसरा भाग। तीसरा भाग जो है वो है डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबुल्स। यहाँ पर ध्यान देना है कि डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबुल्स में जो है वो रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। फैकल्टेटिव यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन, ये समझना है कि क्यों। फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ जो रीएब्जॉर्प्शन की जो भी प्रक्रिया हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, जैसे कि यहाँ सोडियम क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन हुआ अल्डोस्टेरोन की उपस्थिति के कारण, अल्डोस्टेरोन की प्रभाव के कारण, और कैल्शियम का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पाराथार्मोन और विटामिन डी के प्रभाव के कारण। पाराथार्मोन हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पाराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, जो कि कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो है कैल्शियम आयन को सुनिश्चित करता है उसके। और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, ADH कहलाता है, जिसको दूसरा नाम वैसोप्रेसिन जो है, तो उसके प्रभाव के कारण होता है। यही कारण है कि अगर ADH नहीं निकलेगा तो इसका मतलब इस यहाँ से जो अधिक मात्रा में वाटर निकलेगा, जिसको डायबिटिक इंसिपिडस कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबुल्स में होता है, इनके प्रभाव के कारण अल्डोस्टेरोन, पाराथार्मोन और ADH के प्रभाव के कारण रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए ये फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में केवल और केवल रीएब्जॉर्प्शन जो है वाटर का होता है। तो इस तरह से संपूर्ण रीएब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो है यहाँ संपन्न होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कुछ पदार्थ जो है डायरेक्ट फिल्ट्रेट में नहीं, बोमन कैप्सूल से ग्लोमेरुल द्वारा फिल्टर होकर नहीं आते हैं, बल्कि सीधे ल्यूमेन ऑफ ट्यूबुल्स में डायरेक्ट सिक्रीट होते हैं, इसलिए वो ट्यूबुलर सिक्रीशन कहलाते हैं। और ये जो होते हैं वो सोडियम है, पोटासियम है, अमोनिया है, यूरिया है, ऑर्गेनिक एसिड है, और कुछ ड्रग जैसे पेनिसिलिन तरह और अन ड्रग्स भी आते हैं इसमें। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट था फिनोमना ट्यूबुलर सिक्रीशन। और लास्ट चौथा फिनोमना है सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, जैसा कि नाम है यहाँ कुछ पदार्थ का जो है निर्माण होता है, इसलिए सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो इसमें है अमोनिया, ह्यूपरिक एसिड और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यहाँ जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है कन्वर्ट होकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनते हैं। तो ये जो है वो एडजेसेंट जो ट्यूबुलर सेल्स है वहाँ इन सब का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये कहलाता है सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। यहाँ पर दो चीज़ और जानना जरूरी है, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होता है, थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस क्या होता है।
नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेज वो सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ब्लड में चाहे जितना भी हो वो 100% रीएब्जॉर्ब होगा, तो इसको नन इनका कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होता है, इसलिए नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। जबकि थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं जिनका ब्लड में एक निश्चित थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, तो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के अंडर अगर उनकी सांद्रता है तो 100% उसका रिजॉल्यूशन होगा, और जब वो थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर अगर होगा तो वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का जैसा कि पूर्व में बताया हमने, ग्लूकोज का जो है प्रॉक्सिमल कम्युटेटिव टेबल द्वारा 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन इसका थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होता है 180 mg/L होता है, यानी अगर ब्लड में इसकी सांद्रता 180 थ्रेशोल्ड वैल्यू 180 रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू इसका 180 mg है, अगर 180 mg तक ब्लड के अंदर इसकी सांद्रता है तो 100% रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन अगर 180 से अधिक होता है तो ये यूरिन में आना रीअब्जॉर्प्शन फिर नहीं होगा, यूरिन में आना शुरू हो जाए, जिसको डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस वाले पेशेंट में यूरिन में ग्लूकोज यानी शुगर आता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।